नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल चेतना मंच पर। और आप इस समय देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम मंथन। आज मंथन में जो बात आपके सामने आने वाली है उसे सुनकर आप अंदर तक हिल जाएंगे। जी हां, बात है ही इतनी गंभीर। दरअसल मैं बात कर रहा हूं अपने देश में फैली एक खतरनाक बीमारी की। इस बीमारी के कारण हमारे देश में हर साल 1.5 लाख मौत हो जाती हैं, यानी 1.5 लाख लोग मर जाते हैं। जी हां, ये बीमारी कोविड की तरह कोई कुदरती बीमारी नहीं है। इस बीमारी को हम इंसानों ने पैदा कर रखा है। इस बीमारी की बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना और सुनाना चाहता हूं। पहले आप अपने देश के परिवहन मंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता नितिन गडकरी का एक बयान सुन लीजिए। And I always remembering the word of American President John Kennedy that American roads are not good because America is rich, but America is rich because American roads are good. The prosperity is coming from the road. And already I promise Yogi ji that before end of 24 we will make the infrastructure, the road infrastructure of the Uttar Pradesh equivalent to USA. सुना आपने? अब जरा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी सुन लीजिए, वे क्या कह रहे हैं। आदरणीय गडकरी जी बार बार कहते हैं, उन्होंने बहुत बार इसके बारे में, रोड सेफ्टी के बारे में, याद रखना आपके द्वारा गलत इंजीनियरिंग के कारण बहुत सारे लोगों की जान भी जाती है। अगर हम उनको समय पे पहुंचाने के लिए अच्छी सड़क दे रहे हैं तो उसके कारण बहुत सारे लोगों को उस रफ्तार में अपने आप को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं तो बहुत सारे लोगों की जान जाती है। कोरोना कालखंड में पिछले 2.5 वर्ष में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी है। कोरोना जैसी महामारी ने, जिसने दुनिया को पस्त कर दिया था, उत्तर प्रदेश ने अपने बेहतर प्रबंधन के माध्यम से प्रयास किया कि जीवन भी बचे और जीविका भी बचे। 2.5 वर्ष में हमारे यहां 23,600 मौतें हुई हैं कोरोना से, लेकिन रोड एक्सीडेंट में प्रतिवर्ष उत्तर प्रदेश में 20,000 से अधिक मौतें होती हैं। आप सोचिए कि सदी की सबसे बड़ी महामारी में 23,600 मौतें हो रही हैं और 2.5 वर्ष में होती हैं, और अकेले 1 वर्ष में रोड एक्सीडेंट में जो मरते हैं उनकी संख्या ये प्रतिवर्ष 20,000 से 21,000 हो रही है, तमाम प्रयासों के बावजूद। सुन लिया ना आपने, आज हम इसी बीमारी की बात कर रहे हैं। हमारे देश में हर साल 5 लाख एक्सीडेंट यानी रोड दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं में हर साल 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है। आखिर इन मौतों के लिए कौन जिम्मेदार है? हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रोड कांग्रेस संपन्न हुई है। 11 सालों बाद उत्तर प्रदेश की मेजबानी में हुई इस रोड कांग्रेस में दुनिया भर के 1500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ये कांग्रेस 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चली। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता से भी पूर्व सन 1934 में जयकर समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। ये संस्था भारत में सड़कों एवं पुल की डिजाइन एवं निर्माण हेतु सबसे बड़ी संस्था है। ये देश में हाईवे का निर्माण करने वाले इंजीनियर्स की सबसे बड़ी संस्था है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने यूपी को 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाएं देने का ऐलान किया। उसके साथ ही उन्होंने उद्घाटन के समय ही यूपी के लिए 8,000 करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 15 माह में यूपी में सड़कों का नेटवर्क अमेरिका के बराबर होगा, लेकिन सवाल ये है कि क्या सड़क सुरक्षा भी अमेरिका जैसी होगी? इस इंडियन रोड कांग्रेस के पूर्व मात्र 10-15 दिनों के अंदर ही भयानक सड़क हादसों की बात करें तो जहां उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, बेहद दर्दनाक मौत हो गई,
वहीं उत्तराखंड के पौड़ी में बरातियों से भरी हुई बस खाई में गिरने से 32 लोगों की जान चली गई। गुजरात के आनंद में कार व ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 10 लोग मर गए। यह है हमारे देश में सड़क सुरक्षा की मौजूदा स्थिति के कुछ उदाहरण, मात्र कुछ उदाहरण हैं। अन्यथा स्थिति तो यह है कि हर दिन सुबह अखबार खोलते ही देश के किसी न किसी हिस्से में किसी न किसी सड़क दुर्घटना की कोई न कोई खबर आपको जरूर पढ़नी पड़ती है, जबरदस्ती पढ़नी पड़ती है। ये सड़क दुर्घटनाएं हमारी पूरी व्यवस्था को निकम्मा साबित करने के लिए मेरे ख्याल से काफी हैं। आखिर सड़क दुर्घटनाएं एवं सड़कों पर प्रतिवर्ष लाखों लोगों की मौत हमारे राष्ट्रीय एजेंडे में प्राथमिकता पर क्यों नहीं है? क्या ये मौतें संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा नहीं है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक वर्ष 2021 में देश भर में 5,00,000 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जिनमें 1,50,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई। देश भर में हर घंटे करीब 18 और हर दिन 426 लोग सड़क दुर्घटना में जान गंवा देते हैं। आपको बता दूं कि कुछ अंधभक्त कहेंगे कि हमारी जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो दुर्घटनाएं और मौत भी ज्यादा ही होंगी। इसके लिए कुछ आंकड़े देख लीजिए। भारत में वाहनों की संख्या दुनिया के कुल वाहनों का 3% है, जबकि दुनिया भर में सड़क हादसों में जितनी मौतें होती हैं उनमें से भारत में होने वाली मौतें 12.06% हैं, लगभग 12.5%। प्रति 1,000 वाहनों की तुलना में मृत्यु का प्रतिशत, जो कि 2020 में 0.45 था, 2021 में बढ़कर 0.53 हो गया है। अब सवाल उठता है कि इस खतरनाक हो चली बीमारी के लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब साफ है, जिम्मेदार है हमारी नकारा परिवहन व्यवस्था। इसी व्यवस्था के कारण ये बीमारी लाइलाज हो चली है। आप कहेंगी कि गलत सलग ढंग से वाहन चलाने वाले भी तो दोषी हैं। जी नहीं, दूसरे देशों की तरह की परिवहन व्यवस्था, सड़क सुरक्षा व्यवस्था और सुरक्षा वाले कानून जिस दिन हमारी ये नकारा व्यवस्था लागू कर देगी उसी दिन इस बीमारी का इलाज हो जाएगा। बाकी साहब, आप तो जनता जनार्दन हैं, आप तो सब जानते ही हैं, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। सच यही है कि ये नकारा व्यवस्था, व्यवस्थाओं में बैठे हुए वो तमाम लोग जो इन मौतों के लिए जिम्मेदार हैं, वो जब तक नहीं सुधरेंगे ये व्यवस्था ऐसे ही बनी रहेगी और ये खतरनाक बीमारी हर साल 1.5-2 लाख लोगों को मौत के गर्त में उतारती रहेगी, झोंकती रहेगी। आप सब जानते हैं, सोचिएगा और विचार कीजिएगा, हमारे साथ मंथन में जुड़े रहिएगा। आज बस इतना ही। आपके भीतर बैठे परमपिता परमात्मा को प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद, जय भारत।